हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज तीज का व्रत है, सभी माताओं बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तीज में। मम्मी ने ठेकुआ और गुजिया, मावे वाली गुजिया बना ली थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एज यूजुअल ऑफिस था मेरा। तो मैं जा रहा हूँ नारियल वाली गुजिया बनाने, नारियल स्टफ करके बनाऊँगा। ना ही मावा, ना ही मिल्क पाउडर, कुछ भी नहीं डालूंगा, बस नारियल डाल के बनाऊंगा। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाइए ज़रूर, तब आपको पता चलेगा कैसी लगती है। नारियल की गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कच्चा नारियल लिया हुआ है। इसे मैंने तोड़ के, ये देखिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करके मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में, ये देखिए, ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, देखिए। चलिए पहले अब हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने एक ग्लास मैदा लिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, और इसमें हम 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। ये देखिए, 1, 2 और ये मैंने 3 टेबलस्पून घी ले लिया है। और इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से मसल मसल के इसे मिक्स करना है। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए, ये मुट्ठी बंधने लगी है हमारी। ऐसे ही मुट्ठी आपको बंधनी चाहिए। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा बनकर तैयार हो गया, ये देखिए। ऐसे ही सॉफ्ट डो आपको लगाना है। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और जो नारियल मैंने ग्रेट किया हुआ था उसे हमने इस फ्राइंग पैन में डाल दिया है। और इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है बहुत अच्छे से, ताकि इसका थोड़ा सा पानी सूख जाए, ड्राई हो जाए हमारी नारियल। नारियल को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया, ये देखिए ड्राई हो गई है थोड़ी सी। और यहीं पे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए, काजू, बादाम, किशमिश। इसे मैंने हल्का सा घी में रोस्ट, ये रोस्ट कर लिया था। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, इसे मैं इसमें डाल दे रहा हूँ ताकि और ये थोड़ी सी भुन जाए। आप ऐसे भी इसे डाल सकते हैं, ये मेरी भुनी हुई है तो इसे मुझे भूनने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, ये मैं चीनी डाल दे रहा हूँ। बस चीनी डालने के बाद इसे हमें मिक्स करना है 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे। इसे भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है, चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट होगी तो ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा। इसे बिल्कुल धीमे धीमे आँच पे हमें भूनना है, फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी। यहीं पे हम 2 चम्मच घी डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा घी नहीं डाल रहा हूँ। ये 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया, बस इसे भून ले रहे हैं हम अच्छे से। 4-5 मिनट तक हमने इसे भून लिया, ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है और ये थोड़ा सा डो का फॉर्म लेने लगा है। बस यहीं पे अब हम 1/2 कप मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा दूध डाल दे रहे हैं, इसे मिक्स कर दे रहे हैं। ये दूध से ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी हमारी नारियल, बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, आप चाहे तो इस स्टेज पे थोड़ी सी घी और डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ। इसे अब हम और 3 से 4 मिनट भून लेंगे अच्छे से। 5 मिनट तक हमने इसे मिक्स कर लिया, ये देखिए ऐसा हो गया है। यहीं पे हम इलायची पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, मैंने छोटी इलायची, 4-5 छोटी इलायची को कूट कर लिया था। बस ये हो गई है, इसे हम निकाल ले रहे हैं अलग प्लेट पर ठंडा होने के लिए। देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। इसकी अब हम पेड़े काट लेंगे, ये देखिए मैंने छोटी छोटी लोइयां काट ली हैं पेड़े की तरह। अब हम इसे बेल लेते हैं। मैंने एक लोई ले ली है, इसे हम ना ही बहुत मोटा बेलना है ना ही बहुत पतला। मैं आपको एक बेल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने बेल लिया है, ना ही बहुत मोटी है ना ही पतली है। ये मैंने गुजिया बनाने वाली मशीन ले ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा कर दिया ताकि ये चिपके ना। इसी पे अब हम एक पूरी ले ले रहे हैं अपनी, जो मैंने पूरी बेली है, ये देखिए। किनारों पे पानी लगा दे रहे हैं, इसके चारों तरफ किनारों पे मैंने पानी लगा दिया है। और ये हमारी स्टफिंग है, आप देख रहे हैं, बस स्टफिंग। आप अपने हिसाब से स्टफिंग कम या ज़्यादा भर सकते हैं,
मैंने यहाँ पे ये देखिए 1.5 चम्मच स्टफिंग डाली है। बस इसे अब हम बंद कर दे रहे हैं और इसे हल्के हाथों से इसे निकाल दे रहे हैं, हल्का सा दबा दे रहे हैं चारों तरफ से। ये देखिए गुजिया हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट गुजिया है। इसी तरीके से हम सारी गुजिया को बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारी गुजिया को इसी तरह से भर दिया है, अच्छे से मैंने ज़्यादा ज़्यादा भरा है, आप देख रहे हैं ये पूरा मतलब फिल है। आप थोड़ा कम भी भर सकते हैं। और इधर मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, मीडियम हीट तेल चाहिए गर्म, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ ऑयल, ये देखिए बुलबुले आ रहे हैं, यानी तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। यहीं पे हम गुजिया अपनी डाल देंगे। ये देखिए एक बार में जितनी आती है आप उतनी ही गुजिया डालें। मैंने ये देखिए 4 मैंने यहाँ पे 125 ग्राम चीनी का यूज़ किया था, एक बड़ा साइज का नारियल था। आप चीनी अपने हिसाब से ले सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है 125 ग्राम चीनी, या तो आप चाहे तो 150 से 225 ग्राम तक भी ले सकते हैं। बस इसे सिकने दे रहे हैं, मीडियम फ्लेम पे हम सिकने देंगे। लगे पूरे अच्छे से हम अब धीरे धीरे इसे पलट ले रहे हैं। ये देखिए इसी तरह पलट के हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। 4 से 5 मिनट तक दोनों तरफ से सेक लिया है मीडियम फ्लेम पे, 1-2 मिनट और हम सेक लेते हैं इसे। देखिए गुजिया को मैंने सेक लिया है अच्छे से, 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं दोनों तरफ से इसे सेकने में। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे सेका है। चलिए देखिए कितने अच्छा कलर आया है, हमारी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार। नारियल की गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी, ये बिल्कुल मावे वाली गुजिया को टक्कर देने के लायक है। बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही इजी बन जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये नारियल वाली गुजिया। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। बाय एंड टेक केयर।